ताज़ा तरीन खबरों के लिए प्राइम न्यूज 24 को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाएं। नमस्कार, मैं निकिता और आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज 24। भारतीय सेना की 102 इन्फेंट्री सिग्नल कोर बटालियन में तैनात एटा के लाल होमेश प्रताप सिंह, जो देश की रक्षा हेतु ग्लेशियर क्षेत्र में तैनात थे, अचानक बदले मौसम की करवट से स्वास्थ्य खराब हो गया। चिकित्सा हेतु चंडीगढ़ भेजा गया, जहां चिकित्सा के दौरान 8 फरवरी को अंतिम सांस ली। होमेश के पार्थिव शरीर को राजकीय सम्मान के साथ उनके पैतृक ग्राम पुरसारी पर सैनिक टुकड़ी ने दिया गार्ड ऑफ ऑनर। हजारों ग्रामीणों के साथ उपस्थित रहे जनप्रतिनिधि विधायक अलीगंज सत्यपाल सिंह राठौर ने दिया परिजनों को भरोसा, हर संभव दिलाएंगे मदद। सैनिक के पिता ने मीडिया के माध्यम से सरकार से मांग की है कि उसके 2 बच्चों व पत्नी को सहायता मुहैया कराई जाए, जिससे उनका जीवन व्यापन हो सके। उसके 2 बच्चे हैं छोटे छोटे, और सिर भी है। वैसे अभी तो मैं ही परिवार का मुखिया हूँ, परिवार को चलाने का मेरा ही अधिकार है, लेकिन मैं सरकार से भी रिक्वेस्ट करूँगा कि बच्चे तथा उसकी बीवी के लिए कुछ सरकार से सहायता मिल जाए तो अच्छी तरह भरण पोषण किया जा सकता है। देखिए, ये प्राविधान होता है, ये सैनिक की विधवा होती है, मृतक सैनिक की, वो वरिता क्रम में आते हैं सबसे ऊपर, तो उनको जो है ग्राम सभा की यहाँ ज़मीन उपलब्ध है, तो ग्राम प्रधान से बात हो करके और लगभग 3 बीघे की ज़मीन का जो मृतक सैनिक है उनकी विधवा को आवंटन किया जाएगा। ये हमारे क्षेत्र का ही बच्चा था, बहुत होनहार बच्चा था, और इसको लगभग सेना में शामिल हुए 2 वर्ष हुए थे। इसकी पोस्टिंग जो है लेह लद्दाख में थी, और वहाँ मौसम की वजह से जो है इसको दिक्कत आई, वहाँ से लेकर आए यहाँ चंडीगढ़ में इसकी वहाँ डेथ हो गई, और हम लोग जो है शासन प्रशासन के भी लोग यहाँ उपस्थित हैं, और जो कुछ भी परिवार के लिए तो बहुत बड़ी हान है ही है, क्षेत्र के लिए भी हान है, हम लोगों के बस में जो कुछ होगा करने के लिए इसके लिए करने का प्रयास करेंगे और करेंगे। प्राइम न्यूज 24 के लिए एटा से विकास दुबे की रिपोर्ट।